Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidelines of cardiovascular system. सबसे पहले मेरे पास आता है चैप्टर नंबर 11, ड्रग्स यूज्ड इन द हाइपरटेंशन. अब इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट SCQs और MCQs बता देती हूँ. इसके अलावा अगर आपने SCQs MCQs की प्रैक्टिस करनी हो तो आप मेडिकल ग्लोब की बुक्स MBBS क्रैक्स और MCQs क्रैक्स को फॉलो कर सकते हैं. उसमें सारे पास UHS क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. ठीक है, इसमें से स्टार्ट वाला पोर्शन आपने रीड आउट करना है. क्लासिफिकेशन को आपने बहुत बहुत अच्छे से करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, जो ड्रग्स इस क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है वो आप थ्योरी से रीड आउट करें. ठीक है, और जो लास्ट समरी टेबल है वहां से रीड आउट करके यहाँ पे एड ऑन कर लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. इसके अलावा ये सारी की सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए. ठीक है, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में आपसे वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है, और रीबाउंड हाइपरटेंशन भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है और वाइवा में भी पूछा जाता है. नेक्स्ट पर अब हम देखते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन आपने रीड आउट करना है अच्छे से, आपने इनको इसको समझना है सारा का सारा. फिर आपके पास एक और इंपॉर्टेंट SCQ आता है, डायजुरेटिक्स. डायजुरेटिक्स आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है. ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद डायजुरेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट SCQ है. इसके आपको लोकेशन पता होना चाहिए कौन सा डायजुरेटिक किस एरिया पे एक्ट करता है, उसका क्या रोल है. टेबल 11.1 आपने बेसिकली बनाना होता है अगर आपको SCQ आ जाए. ठीक है, फिर सिंपैथोप्लेजिक्स, ये सारा का सारा आपने अच्छे से रीड आउट करना है MCQs के लिए. ठीक है, सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है, इन सबके नेम्स आपको आने चाहिए, इन सबके काम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव कूम्स टेस्ट कब होता है ये भी आपसे पूछा जाता है वाइवा में. ठीक है, फिगर 11.1 है फिर हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और OSPI के लिए भी. आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है बीटा ब्लॉकर्स और डायजुरेटिक्स के एक्शन को. फिर आपके पास फिगर आ जाती है फिगर 11.2. इस फिगर को आपने एक दफा देख लेना है, रीड कर लेना है MCQs के लिए. इसकी समरी को भी आपने रीड आउट कर लेना है. फिर आपके पास आते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आपने टेबल से सारा का सारा बहुत अच्छे से याद करना है. फिर आपके पास आता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी आपका एक SCQ है. एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स है आपके पास, ये आपका इंपॉर्टेंट SCQ है. प्रोप्रेनोलोल के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपने सारा का सारा अच्छे से करना है. फिर नेक्स्ट आपके पास SCQ आता है वैसोडायलेटर्स का. वैसोडायलेटर्स का भी SCQ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले क्लासिफिकेशन, फिर डायजुरेटिक्स और फिर वैसोडायलेटर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ में. फिर आपने टेबल 11.2 ड्रॉ करना होता है. ठीक है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं मेरे पास. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आपके SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स आपने MCQs में आपसे मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है. बेसिकली कुछ भी का एग्जाम में छोड़ने वाला नहीं होता, एक एक वर्ड को आपने अच्छे से याद करना होता है. फिर आपके पास आती है फिगर 11.3, इंपॉर्टेंट है आपकी SCQ के लिए भी और OSPI के लिए भी. मोनोथेरेपी की आपको डेफिनेशन पता हो. ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको बहुत ज्यादा पूछते हैं वाइवा में भी, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है. पॉलीफार्मेसी की डेफिनेशन करनी है आपने. फिर आपके MCQs आ जाते हैं, इनको आपने स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, और इसमें जो फॉल्स आपके ऑप्शंस होंगी आपने आपको उसके रीजंस पता होने चाहिए कि ये क्यों फॉल्स है और जो ट्रू है वो क्यों ट्रू है. ठीक है, इसके अलावा जो इसके आपको आंसर्स दिए गए हैं इसमें से भी आपसे MCQs बनाकर पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी बहुत अच्छे से करना है सारा का सारा पार्ट. फिर लास्ट पे आपके पास आ जाती है चेकलिस्ट. चेकलिस्ट आपकी ये SCQs हैं सारे के सारे, ये आपने देख लेने हैं, एक दफा गो थ्रू करना है आपने इनको. क्वेश्चंस बेसिकली चेकलिस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, फिर लास्ट में समरी टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए भी और MCQ के लिए भी. ये सारा का सारा आपने अच्छे से याद करना है, थ्योरी से रीड करें, जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगे वो टेबल में इधर समरी में ऐड कर लें ताकि रिवीजन में मुश्किल ना हो. थैंक यू सो मच. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI
exams. Besides this series for SCQ and OSP, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.